आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। हरदोई जनपद के थाना टडियावा पुलिस की कार्यशैली के चलते एक पीड़िता छेड़छाड़ के मामले में थाने सहित आला अफसरों की चौखट के चक्कर लगा रही है। आपको बता दें, पीड़िता के परिजन ने आरोप लगाया है कि 2 माह पूर्व पीड़िता अपने बहनोई के यहाँ गई थी, जहाँ पर बहन के देवर ने उसके साथ छेड़छाड़ की है, जिसके बाद पीड़ित के परिवार ने थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहीं सीओ हरपालपुर का कहना है कि मामला पहली बार संज्ञान में आया है और जांच के आदेश दे दिए हैं। हमारी तबीयत खराब थी तो हमारे घर वाले लेके गए थे 10-12 दिन के लिए, तो हमारे देवर ने गलत काम इसके साथ किया 3 बजे रात को, तो हमारी कुंडी बाहर से बंद थी, तो हमने रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनी, तो हमने इसने जब इसके साथ मुकीम भाग गया हमारा देवर, तो इसने गेट खोले आके, जब हमने देखा जब खून से लथपथ थी, तो हम लोगों को बंद कर लिया घर में। जब हमारे घर वालों को बाहर मोहल्ला वालों से पता चला, जब घर वाले आए तो ठिलिया पे लाद के ले गया, जब हम लोग चौकी गए तो उन्होंने गाड़ी देके हमें भजा दिया। थाना टडियावा क्षेत्र में गोपामऊ चौकी क्षेत्र में एक लड़की मेरे पास उपस्थित हुई है, इसने कहा है कि मेरी बहन की तबीयत खराब थी और मैं उनके यहाँ गई थी, और ये आरोप लगा रही है कि जो मेरी बहन है उसके देवर ने मेरे साथ में गलत काम किया है, यही आरोप है। मेरे पास आज उपस्थित हुई है, मैंने जांच करने के बाद में अभियोग लिए पंजीकृत करने के लिए आदेश कर दिया। 2 महीने से दौड़ रही है, क्या मुकदमा कायम किया? हमारे पास आज उपस्थित पहली बार आई है, ये जांच का विषय है, अगर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई।